इसी अक्टूबर से देश में 5G सर्विस शुरू हो चुकी है और इसे भारत में लॉन्च करने वाली कंपनी है रिलायंस जियो और एयरटेल। इन दोनों कंपनियों के 5G लॉन्च करने के बाद अब लोग BSNL की तरफ देख रहे थे कि वो कब 5G लॉन्च करेगा। हालांकि BSNL 4G सर्विस भी अभी नहीं दे पाया है और अभी 3G पर ही अटका हुआ है, लेकिन खबरों के मुताबिक अब जल्द ही BSNL 4G सर्विस लॉन्च कर सकता है। टेलीकॉम कंपनी देश के कई हिस्सों में अपने 4G नेटवर्क को टेस्ट कर रही है। जहां प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियां 5G सर्विस लॉन्च कर चुकी हैं, वहीं BSNL की 4G सर्विस के लिए लोगों को अगले साल तक का इंतजार करना होगा। BSNL की 4G सर्विस कब से शुरू होगी, इसकी जानकारी केंद्र सरकार के टेलीकॉम मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने खुद ही दी है। मंत्री जी की ही माने तो अगले साल जनवरी 2023 में BSNL 4G देश भर में लॉन्च हो सकता है। इकोनॉमिक टाइम्स के मुताबिक केंद्रीय मंत्री ने बताया कि BSNL 4G लॉन्च की तैयारी अपने ट्रैक पर है और अगले साल तक सब्सक्राइबर्स के लिए उपलब्ध होगी। 4G के कुछ दिनों बाद ही यूजर्स को 5G सर्विस भी मिलने लगेगी। साल 2023 की दूसरी छमाई में BSNL 5G लॉन्च हो सकता है, जबकि BSNL 4G सर्विस जनवरी 2023 के पहले हफ्ते में यूजर्स के लिए उपलब्ध हो जाएगी। वहीं अगस्त 2023 तक टेलीकॉम कंपनी अपनी 5G सर्विस लॉन्च कर सकती है। BSNL के विस्तार में स्वदेशी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होगा। टेलीकॉम कंपनी को उम्मीद है कि 4G और 5G सर्विस रोल आउट से उनका यूजर बेस 20 करोड़ तक पहुंचेगा। दरअसल 5G की लॉन्चिंग के मौके पर अश्विनी वैष्णव ने कहा था कि BSNL 5G भारत में 15 अगस्त 2023 तक लॉन्च हो सकता है। BSNL 5G लॉन्च होने के बाद भी उसे पूरे देश में विस्तार होने में वक्त लगेगा। हाल फिलहाल में कई कंपनियों के बचाने के लिए सरकार ने कई राहत पैकेज का ऐलान किया है। एक वक्त में BSNL का टेलीकॉम सेक्टर में दबदबा था, हालांकि वक्त के साथ साथ सरकारी कंपनी दूसरी प्राइवेट कंपनियों से पिछड़ गई। BSNL अभी भी टेलीकॉम सेक्टर में किसी दूसरे ऑपरेटर के मुकाबले सस्ती सर्विस ऑफर करता है। BSNL का रिचार्ज प्लान दूसरे ब्रांड्स के मुकाबले सस्ता रहता है, लेकिन नेटवर्क के मामले में ये सरकारी कंपनी कई बार मात खा जाती है।